आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने गोमिया विधानसभा के प्रत्याशी गौतम तिवारी के पक्ष में साड़म के संतोषी मंदिर में सभा की। बाबूलाल यहां भाजपा शासनकाल में हुए पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज और आंगनबाड़ी सेविकाओं की उपेक्षा पर जमकर बरसे। वहीं आयुष्मान योजना को लेकर दर दर ठोकर खाने वाले बीमार व्यक्तियों की वर्तमान परिदृश्य से भी अवगत कराया। बाबूलाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के लिए सिंचित झारखंड के निर्माण करने की भी बात कही। वहीं दहशतगर्दों को जेल के सलाखों के अंदर अथवा राज्य से बाहर भगा देने की भरोसा दिलाई। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, फिर से आपका साथ और आपका सहयोग और आपका वोट चाहिए। हम चाहते हैं कि झारखंड को, यहाँ के लोगों की क्या तकलीफ है, किसानों की क्या तकलीफ है, मजदूरों की क्या तकलीफ है, छात्र नौजवानों की क्या तकलीफ है, गांव की गरीब की क्या तकलीफ है, हम जानते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि आज हम चाहते हैं कि झारखंड को हम लोग सिंचित झारखंड बनाएं, ताकि किसानों के जीवन में खुशहाली आ सके। लेकिन आज आप जरा सोचो, गौर करो, आपके बगल में डैम है, लेकिन उस डैम में कितने गांव भी डूब गए, कितनी जमीन चले गए, घर बार लोगों को उजाड़ गए, लेकिन उस डैम से गांव को भी पीने के भी पानी नहीं होता है, खेतों को भी पानी नहीं मिलता है। और इसलिए हमने कहा कि इस बार आप सरकार बना दीजिए, अगले 5 साल में हम किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा देंगे, चाहे उसके लिए तालाब बनाना पड़े, आहार पोखर बनाना पड़े, या नदी नाला से या डैमों से पानी हमें ले जाना पड़े, खेतों तक तो ले जाएंगे, लेकिन किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। यही मैं कहने के लिए आया हूं, यही विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, तभी झारखंड के किसानों में खुशहाली आएगी। और मैं यही कहता हूं कि हम चाहते हैं झारखंड को शिक्षित राज्य बनाना। और जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हमने गांव में, टोला में, मोहल्लों में हमने स्कूल शुरू कराया था, और गांव के ही पढ़े लिखे नौजवानों को मास्टर भी बनाया था, और उसके लिए कोई अफसर ने बहाल नहीं किया था। गांव के ही जो ग्राम समिति है, ग्राम समिति की ओर से गांव के ही पढ़े लिखे नौजवान शिक्षक भी बने थे। लेकिन आज रघुवर दास जी जब राज्य के मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी, तो इन्होंने इन 5 वर्षों में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया। जब पारा टीचर है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी अपने मांगों को लेकर के रांची जाते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाते, उनको पीटा जाता है। हमने कहा कि इस बार आप सब लोग काम करो, झारखंड विकास मोर्चा को जिताइए और बाबूलाल मरांडी की सरकार बनाइए। आपकी जो समस्या है, आपकी जो तकलीफ है, उस तकलीफों को हम दूर कर देंगे, उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। झारखंड बने, झारखंड में उद्योग धंधा हो। बीजेपी ने, रघुवर दास जी ने क्या किया, 5 साल तक हाथी उड़ाते रहे, उद्योग के नाम पर, पूंजी निवेश के नाम पर, मोमेंटम झारखंड, हाथी उड़ाते उड़ाते उन्होंने क्या किया, 900 करोड़ रुपया राज्य के खजाना से उन्होंने उड़ा दिया। नए उद्योग धंधे कोई लगे नहीं, पुराने जितने उद्योग धंधे लगे हुए थे वो बंद हो गए। आज तो बेकार बेरोजगार नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। आज भी सरकारी नौकरियों में वैकेंसी पड़ी हुई है, खाली है, भर्ती नहीं हो रहा है। पूरे 19 साल में 5 बार ही जीपीएससी हुआ और 5 साल में तो एक भी जीपीएससी नहीं हो पाया। हमने कहा कि इस बार आप सरकार बनाइए, जैसे यूपीएससी का एग्जाम प्रत्येक साल होता है और बहाली प्रत्येक साल होता है, वैसे ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी प्रत्येक साल परीक्षा आयोजित करेंगे और प्रत्येक साल नौजवानों की बहाली भी होगी। यही मैं कहने के लिए आया हूं। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, आज यहां से गरीब बेकार बेरोजगार लोग बाहर की ओर लोग पलायन करते हैं। सरकार कहने को तो मनरेगा में 100 दिनों के कामों की बात करते हैं, लेकिन काम मिलता नहीं है और मजदूरी भी मात्र कितना है, 171 रुपया। हमने कहा कि इस बार सरकार बनाइए, गरीबों के इस काम को भी 100 दिन की जगह 150 दिनों की सुनिश्चित की जाएगी और 171 की जगह कम से कम 300 रुपया दैनिक मजदूरी गरीबों को मिलेगा, तभी गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। और यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया।
बच्चों जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, मेडिकल की पढ़ाई करते थे, डिप्लोमा करते थे, या बच्चियां नर्स बनती थी, उसकी पढ़ाई में खर्च बच्चों को करना नहीं पड़ता था, माँ बाप को चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने समाप्त कर दिया। अब गरीब के बच्चे इंजीनियर नहीं बन पाते, गरीब के बच्चे मास्टर बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं कर पाते, गरीब के बच्चे अब डिप्लोमा भी नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा कि फिर से अब सरकार बना दीजिए, गरीब के बच्चे और बच्चों की पढ़ाई का पूरे खर्च सरकार उठाएगी, गरीब माँ बाप को इसकी चिंता नहीं करना पड़ेगा, तभी यह झारखंड शिक्षित झारखंड बनेगा। हम यही कहने के लिए मैं आया हूं। आज झारखंड को हम चाहते हैं स्वस्थ झारखंड बने। आज सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, ब्लॉक में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, जिला के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, इलाज नहीं होता है। सरकार ने एक कार्ड थमा दिया है, आयुष्मान कार्ड। बड़े अस्पतालों में चले जाइए तो वह कार्ड जहां दिखा दिए तो कह देता है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है। और रांची के बड़े सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो जाइए तो महीनों दिन इलाज में लग जाता है, या तो पेशेंट मर जाता है या फिर भाग जाता है, वहां से इलाज ही नहीं होता है। और इसलिए हमने कहा कि इस बार आप झारखंड में बाबूलाल मारांडी की सरकार बनाइए, प्रत्येक पंचायतों में दो स्वास्थ्य कर्मी होंगे, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी डाटा भी होगा, जिला ब्लॉक के अस्पतालों में डॉक्टर और दवा की व्यवस्था होगी, और जिला के अस्पतालों में सभी प्रकार की जांच की सुविधा होगी, और प्रमंडल स्तर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगा, ताकि कोई भी बीमार हो तो हर गरीबों का ठीक से इलाज हो सके। जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो बड़े रोग होते हैं जैसे किडनी की कोई बीमार होते, किडनी के रोग से पीड़ित होते थे, और कोई कैंसर की बीमार से पीड़ित होते थे, हृदय रोग से जो पीड़ित होते थे, वैसे लोगों के इलाज के लिए उस समय भी हम 1.5 लाख रुपए तक की व्यवस्था किए थे। आज मैं ये घोषणा करने के लिए आया हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ, अगर ऐसी कैंसर जैसे बीमारी से कोई भी पीड़ित होंगे तो गरीबों के इलाज सरकार की ओर से, गरीब को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। गुंडागर्दी चलती रहे, दहशतगर्दी में लोग जीते रहे, भय का माहौल, आतंक का माहौल, इसको भी समाप्त करना है। झारखंड में अमन चैन लाना है। जो भी लोग गुंडागर्दी करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, अमन को छीनने की कोशिश करेंगे, वैसे लोगों की जगह जेल में होगी या फिर झारखंड से उनको बाहर कर दिया जाएगा। यही मैं आज आपको विश्वास दिलाने के लिए, हम चाहते हैं कि सुंदर झारखंड बने, खुशहाल झारखंड बने, विकसित झारखंड बने, शिक्षित झारखंड बने, स्वस्थ झारखंड बने, सिंचित झारखंड बने। बस 12 तारीख को आप सब लोगों का एक एक वोट कंघी छाप में पड़ना चाहिए, और कंघी छाप में वोट दे करके अब यहां से गौतम तिवारी जी को आप सब लोग विजय बनावे, और झारखंड में हम सरकार बनाएंगे, राज्य में अमन चैन आएगा। यही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बोकारो से विजय कुमार सिंह के साथ साड़म से राजकुमार वर्मा की रिपोर्ट।